हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल के दौर में सही तरीके से अपनी स्किन को अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो उसकी वजह से हमारी स्किन पर स्किन कैंसर की प्रॉब्लम काफी ज्यादा पनप रही है और इसी की वजह से हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्किन कैंसर के कौन से लक्षण होते हैं और इसे ठीक करने के या फिर इसकी रोकथाम के कौन से उपाय होते हैं? चलिए आज जानते हैं मेरी इस वीडियो के जरिए कि अगर आप स्किन कैंसर से बचना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसके लक्षणों को पहचानने की जरूरत है और इसकी रोकथाम करने के लिए आपको सही तरीके के उपायों का पता होना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको पहले से पहले ही अपनी बॉडी पर अगर किसी प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी पर पीले रंग के पैचेस पड़ना या फिर लाल कलर के पैचेस पड़ना, आपकी बॉडी पर सनबर्न जैसा प्रॉब्लम होना लेकिन वो सनबर्न ना होकर काफी ज्यादा काला एरिया हो जाता है और उस पर आप जितने चाहे एक्सपेरिमेंट क्यों ना कर ले वो ठीक नहीं हो पाता है। अगर असमय ही आपके शरीर पर या फिर आपके स्किन पर कोई गांठ निकल आई है या फिर आपके स्किन पर सफेद कलर के रैशेस पड़ना शुरू हो गया है तो हो सकता है कि आपको स्किन प्रॉब्लम ने अपनी चपेट में ले लिया हो। इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको शुरुआती दौर से ही छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि जब भी आप धूप में निकले तो सनस्क्रीन जरूर लगाकर निकले, क्योंकि ज्यादातर स्किन कैंसर की प्रॉब्लम हमें तब होती है जब हम सूरज की हानिकारक किरणों से अपनी बॉडी को नहीं बचाते हैं। इसीलिए जब भी घर से बाहर निकले तो हमेशा सनस्क्रीन लगाकर निकले। सही तरीके के SPF की सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि उसका SPF 20 से ज्यादा हो ताकि वो सूरज की हानिकारक किरणों से आपको बचा सके। रात को सोने से पहले लोशन जरूर लगाएं, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए और जब भी घर से बाहर निकले तो अपनी बॉडी और बालों को कवर करके निकले। ऐसा करने से आप अपनी बॉडी को स्किन कैंसर से बचाने की शुरुआत कर रहे हैं। सो दोस्तों, इन बातों को ध्यान में रखिए ताकि आप अपनी बॉडी को स्किन कैंसर से बचा सके। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।